हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड है मैक्रो, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि है मैक्रोस, और उस मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। Thus, macroeconomics means economics of large dimension, referring to the economy as a whole. तो macroeconomics किससे डील करती है? पूरी की पूरी लार्ज डायमेंशन से, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है। In simple words, we can say that macroeconomics deals with the study of whole economy. तो अगर हमें किसी को simple words में समझाना है कि macroeconomics किस चीज़ से डील करती है, तो वो पूरी की पूरी economy से डील करती है। ठीक है, अब इसकी definition, Shapiro जो कि बहुत मशहूर economist हुए हैं, वो क्या कहते हैं? According to Shapiro, इनकी books भी हैं, macroeconomics deals with the functioning of economy as a whole. तो ये कहते हैं कि macroeconomics पूरी की पूरी economy की functioning से deal करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्कोप ऑफ macroeconomics क्या है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।